कक्षा 9 के विद्यार्थियों का BL ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत आपको आपकी सामाजिक विज्ञान का पहला जो अंश है उसका पहला पाठ लोकतंत्र, जो कि नागरिक शास्त्र पुस्तक का एक हिस्सा है, को करवाऊंगा। पहली वीडियो में हमने बताया था कि लोकतंत्र के बारे में, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के बारे में बताया था। लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है, लोकतंत्र में कौन कौन सी शासन प्रणालियां शामिल रहती हैं और किस तरीके से लोकतंत्र जो है का गठन किया गया और इसके पीछे उद्देश्य क्या थे लोकतंत्र के गठन के पीछे। आज हमारा टॉपिक है लोकतंत्र की विशेषताएँ। देखिए, आपके सामने एक कार्टून दिखाई दे रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आप इससे क्या समझते हैं। ये कार्टून दरअसल अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है। ये इराक में जब अमेरिका ने अपना ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया था और वहाँ पर डेमोक्रेसी बहाली के नाम पर जो इराकियों के साथ में जो कुछ घटनाक्रम घटित हुआ, आप भली भांति उससे वाकिफ होंगे। अगर जो बच्चे इससे वाकिफ नहीं हैं या इन्होंने इन घटनाक्रमों को नहीं पढ़ा या सुना, तो सद्दाम हुसैन और उसके बारे में आप दुनिया भर के यूट्यूब्स और जानकारियां उपलब्ध हैं, प्रिंट मीडिया में आप सुन सकते हैं। उनमें न जाते हुए मैं सीधा सटीक में आता हूं कि ये बताया गया है कि कोई भी देश लोकतंत्र के नाम पर किस हद तक जा सकता है और कहां ज़बरदस्ती लोकतंत्र बाहर कर सकता है। आपके सामने जो वीडियो है उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी ये सील कमांडोज हैं जो आप देख रहे हैं, ये धन और बल के नाम पर जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। और देखिए इनमें कोऑर्डिनेशन कितना बढ़िया है, चार आदमी है, चारों किस तरीके से जो है डेमोक्रेसी बहाल करने में अपना पूर्ण रूपेण योगदान दे रहे हैं। लोकतंत्र की विशेषताएँ, लोकतंत्र की विशेषताएँ आज जो है वो हमारे सामने हमारा टॉपिक है। देखिए, हमने लोकतंत्र की सरल परिभाषा के बारे में बात की थी और पिछले वीडियो में हमने बताया भी था लोकतंत्र की सरल परिभाषा अब्राहम लिंकन की कोट्स बताई थी आपको कि लोकतंत्र क्या है, कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाती है, लोकतंत्र कहलाता है। ये लिंकन साहब ने, US प्रेसिडेंट थे, बहुत पहले इसके बारे में व्याख्यान दिया था। हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र एक का शासन एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसमें अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन हैं, इनकी सरकार और लोकतंत्र में कहे जाने वाले उन सभी किन अधिकारों का चुनाव हुआ हो जाना आवश्यक है, लोकतंत्र में वे कौन कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी ले लेते हैं, तमाम सवालों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, किस तरह के चुनाव में लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, मतलब चुनाव किसे कहते हैं, लोकतंत्र में चुनावों के बारे में क्या होता है, चुनाव कैसे हैंडल होते हैं लोकतंत्र में, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसके बाद में कौन लोग होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, यानी मतदाता कौन होते हैं, प्रतिभागी कौन होते हैं, किन कौन चुनता है, किन को चुना जाता है और कौन सत्ता में आते हैं, सरकार कौन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वगैरह वगैरह, कौन, क्या इससे प्रत्येक नागरिक को और फिर क्या जो नागरिक हैं उनको बराबरी की हैसियत, बराबरी का हक मिलता है, मिलता है तो कितना मिल पाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। देखिए, अब हम कुछ बातें और जान लें कि लोकतंत्र में सरकार का स्वरूप क्या रहता है, लोकतंत्र कैसे शासन करती है, किस तरह से वो अपने सरकार में भागीदारी होती है, कैसे वो कुछ कार्य करती है, लोकतंत्र के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं को बांधकर काम करना जरूरी है, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदरण करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो हमारे सामने लोकतंत्र की विशेषताओं का जब हम बात करते हैं तो इन बातें आती हैं। अब देखिए, अब प्रमुख फैसले निर्वाचन नेताओं के हाथ में,
अब ये लोकतंत्र पर एक कुठाराघात करता हुआ एक उदाहरण है जो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था हमारे पड़ोसी राज्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में। ऐसा नहीं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान एकमात्र उदाहरण है लोकतंत्र की व्यवस्था का की कमर तोड़ने में। बहुत से ऐसे हैं जो उन्होंने लोकतंत्र के नाम पे बहुत गुंडाराज किया है। इनमें 1999 में जो है पाकिस्तान के फॉर्मल जो है मतलब आर्मी हेड थे परवेज मुशर्रफ, तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वहाँ के सेनाध्यक्ष थे, और इन्होंने क्या किया था अपने सैनिक शक्ति के बल पर पाकिस्तान में तख्ता पलट कर लिया। वहाँ के तात्कालिक जो सरकार के जो हेड हैं परवेज मुशर्रफ साहब, उनको जो है पद्दा से पदासीन कर जो है स्वयं सत्ता पद पर काबिज हो गए थे और सीधे राष्ट्रपति बन गए थे, और काफ़ी समय तक राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू रहा था। ये लोकतांत्रिक राजनीति है। आगे चलकर हम देखेंगे, देखिए एक बहुत ही बढ़िया दूसरा उदाहरण आपके सामने है। पहले हमने इराक के बारे में आपको बताया था लोकतंत्र, और अभी इराक के समतुल्य उसी समकक्ष तानाशाही के एक देश और की बात चल रही है, सीरिया। देखिए उपयुक्त कार्टून में दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी संभवतः जिसे जो है मतलब जस्टिस ऑफ लिबर्टी के इक्वलेंट्स दर्शाया गया है, न्याय की देवी जूनों के अनुसार ऐसी तस्वीर आपने जो है मतलब आपने लॉ एंड मिनिस्ट्री में या लॉ एंड ऑर्डर या कोर्ट्स में देखी होंगी, न्याय की देवी को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे न्याय की देवी हाथ में तराजू लिए हुए जो है डेमोक्रेसी के नाम से जैसे सीरिया में दाखिल होती है, तो ये लोग कहते हैं कि आप यहाँ की कट्टर पार्टी का अगर हिस्सा होती हैं, यानी कहने का भावार्थ है कि आप अगर हमारे तरीके से हमारे हिसाब से काम करने को तैयार हैं तो निश्चित रूप से हम लोकतंत्र का स्वागत करते हैं, अन्यथा अगर आप अपने तरीके से काम करेंगे तो हमारे यहाँ पे आपके लिए कोई जगह नहीं है। सीरिया के बारे में बताते हुए देखिए कुछ पढ़ते हैं लोकतंत्र के बारे में, उदाहरण बताया है मतलब। अब देखिए अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये 1999 का जो है परवेज मुशर्रफ के का जो हमने पीछे पढ़ा था उसी के बाद में है कि इन्होंने जो है लोकतंत्र को उखाड़ फेंका था अपने बल पे और अपने सैन्य ताकत के बल पे, और उन्होंने खुद को मुख्य कार्यकारिणी घोषित कर दिया था। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया 2002 में, एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 500 साल के लिए बढ़ा लिया। 1999 में ज़बरदस्ती तख्ता पलटी करके और वहाँ के शासनाध्यक्ष सेनाध्यक्ष से जो है शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष बन गए। उसके बाद में जब 2002 में आम चुनाव आए तो इन्होंने क्या किया, स्वयं जो है अपनी सत्ता का पहले इन्होंने सेना के पद का दुरुपयोग किया, शक्ति का दुरुपयोग किया, तत्पश्चात सत्ता का दुरुपयोग किया और स्वयं जो है पुनः से अपने कार्यकाल को बढ़ा लिया आगे बिना चुनावों के। देखिए इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या हो नहीं सकती। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश, जिसे वो अपनी भाषा में जमहूरियत ए इस्लाम कहकर बुलाते हैं, जमहूरियत ए इमता कह के बुलाते हैं, तो उसी जमहूरियत का मजाक उड़ाया उन्हीं के एक सेनाध्यक्ष ने और वह ज़बरदस्ती जो है सत्ता पद पर काबिज हो गया अपने सैन्य शक्ति के बल पे। शक्ति का दुरुपयोग का एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण हमारे पड़ोस में ही है। उसके बाद में सत्ता का दुरुपयोग कैसे हो सकता है, 2002 में प्रवेश साहब ने बता दिया कि सत्ता का दुरुपयोग करके कैसे एक व्यक्ति स्वयं अपने आप में ही स्वयंभू हो जाता है। ऐसा भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि मतलब भारत का राष्ट्रपति अल्पकाल का तानाशाह बन सकता है। अगर भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनकी विवेक शक्तियाँ और उनके कार्यकारिणी और उनके कार्य को देखें तो ऐसा संभव भी है, लेकिन आप निश्चित रूप से आप आश्वस्त रहें भारत में आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला है कि किसी राष्ट्राध्यक्ष ने या किसी सेनाध्यक्ष ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया हो, फिर चाहे वो सैन्य शक्ति है चाहे वो हमारी वास्तविक शक्ति है। जी पाकिस्तानी मीडिया मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों के आरोप लगाया, इस जनमत संग्रह में एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला।
इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। पहले पाकिस्तान में ऐसा नहीं था कि राष्ट्रपति के पास में राइट्स ऑफ अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी कि वो प्रांतीय जो कार्यकारिणी है या मंत्रिपरिषद है या जो मतलब सेंट्रल रीजनल गवर्नमेंट्स है उनको सस्पेंशन पावर जो है राष्ट्रपति के पास में नहीं होती है, उनको सस्पेंडेड जो है राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल करता है। लेकिन इन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिनके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून को पास हो जाने के बाद में राष्ट्रीय प्रांतीय और असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए। इस प्रकार पाकिस्तान के अंदर जो है वह चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी परवेज मुशर्रफ के पास में हुई। ऐसा नहीं है कि जब पूरे विश्व में पाकिस्तान उसकी डेमोक्रेसी की थूथू हुई तो इसकी भरपाई करने के लिए परवेज साहब ने क्या किया, अपने सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ की सत्ता को सत्तारूढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि दोबारा चुनाव करवाए। कहने को वो चुनाव थे लेकिन कैसीनो के अंदर जो बटन्स जो हैं वो सेना के जवान दबा रहे थे, यानी एक आम आदमी को वोट कास्टिंग का अधिकार ही नहीं दिया गया। लेकिन धीरे धीरे सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारी परवेज मुशर्रफ के पास चली गई। स्पष्ट है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों का अगर रिकॉर्ड देखें तो जितने सेवानिवृत्त नहीं हुए उससे ज़्यादा तो मार दिए गए हैं उनको बीच कार्यकाल में, या तो उनको अपदस्थ कर दिया गया है। कुछ एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं पाकिस्तान के कि जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, अन्यथा उन्हें या तो अपदस्थ कर दिया गया है या उन्हें मार दिया गया है या उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। हम ऐसा नहीं कह सकते लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासन नहीं है। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और परवेज मुशर्रफ के ही हाथ में था जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसे तानाशाही और राजशाही वाली अनेक व्यवस्थाओं में होता है ये औपचारिक रूप से चुनी हुई होती है। तो ये कह देना कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है ये सरासर झूठा और बहुत ही बेमानी बात है। देखिए हमारे सामने एक बहुत ही सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आया है सीरिया का, इसके पश्चात आगे जो है हम पढ़ेंगे। देखिए हाँ, संसद और सरकार तो होती है पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्होंने जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है और न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इन्होंने इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुँचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए जब व्यक्तियों के पास में होती है या होनी चाहिए तो वास्तविक रूप से लोकतंत्र हम उसे ही कहेंगे। देखिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि इसे चुनने वाले ही इसे ढूंढते हैं। लीजिए एक कार्टून और आपका आ गया है आपके सामने कार्टून, और ये इस बार कार्टून जो है वो US प्रेसिडेंट अमेरिकन राष्ट्रपति और अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी के बारे में बड़ा कुठाराघात कर रहा है कि अमेरिका लोकतंत्र की बहाली के लिए दो तरीके अपनाए हुए हैं। पहला, सामने वालों से चंदे के नाम पे पैसा लेता है और फिर उन्हीं के सामने हथियार तान देता है और उन्हीं के अंदर लोकतंत्र बहाली के नाम पे स्वयं अपने शासन अध्यक्ष को लागू कर देता है। यह कार्टून लैटिन अमेरिका, आप देखो अमेरिका भी दो तरह की, देखिए इसमें कन्फ्यूज कभी मत होइए, अमेरिका दो तरह से व्यक्त किया जाता है। पहला, जब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं तो हम केवल उसी की बात कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अमेरिका, जहाँ पे अभी वर्तमान में जो है मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है शासन कर रहे हैं, इससे पहले मतलब बराक ओबामा कर रहे थे। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं
इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ होल अमेरिका लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका अलोंग विद हिज नेबर कंट्री चिली पराग्वे उरुग्वे एंड कैनेडा लाइक दैट। और दूसरा जो है मतलब आपके जब लैटिन अमेरिका की बात कर रहे होते हैं तो दरअसल हम बात कर रहे होते हैं अमेरिका के उन प्रांतीयता के बारे में कि जहाँ पे अमेरिका की शासन सत्ता जो उसके आसपास छोटी छोटी जो मतलब जो कॉन्टिनेंटल है वो भी अमेरिका के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। तो तीन तरह का अमेरिका हमारे एक्सप्लेन में आता है अमेरिका का नाम, अमेरिका अमेरिका और लतानी अमेरिका या इसे लैटिन अमेरिका के नाम से अपन कहते हैं जी। अब देखिए अब एक उदाहरण आप पढ़िए बड़ा ध्यान से और हम आपको अमेरिका का सॉरी आपको लोकतंत्र का एक और जो है मतलब अर्थ बताते हैं। चीन में संसद को क्वांगुओ रेमिनी दवाइयों दाहुनी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन में संसद का नाम है जैसे हम पार्लियामेंट को हम पार्लियामेंट्री के नाम से जानते हैं इंग्लैंड के अंदर, संसद व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है भारत में, उसी तरीके से चीन में इसे क्वांगुओ रेमिनी दवाइयों दाऊ हुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3,000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी होती है। 2002-2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों को सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद में मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनावों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जिसे कहते हैं चीन की नामी ग्रामी पार्टी है, बड़ी सत्ताधारी पार्टी है, नाम की एक पार्टी को जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर नाम मात्र का परफॉर्म करते थे और वो जो है वो उनकी जमानत जब्त हो जाती थी। कभी कभी उन्हें जीत भी हासिल होती थी। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उसकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर डाल दिया जाता था, माने बूथ कैप्सलिंग हो जाती थी जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव के अभियान पर काफ़ी पैसा खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित लोगों के द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ सारी समस्याएं चुन के चुनावों लोगों के सामने वास्तविकता एक गंभीर विकल्प नहीं होता है। लोगों को शासन दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं और क्या ये लोकतंत्र है? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां के जनता के पास दूसरा कोई विकल्प न था। किसी भी तरह वहां का शासन दल पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही प्राप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच में चुनने की जो व्यवस्था है स्थिति होनी चाहिए। लोगों के पास में यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता से बाहर बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर उपलब्ध हो। लोकतंत्र चुनावों के बारे में अध्याय 3 में और बातें जानेंगे।
देखिए हमारे सामने जो है, हम अगर ध्यान से देखें तो हम एक पाएंगे कि हमने लोकतंत्र के अभी तक जो है वो तीन उदाहरण पढ़े बहुत सुंदर तरीके से। पहला लोकतांत्रिक उदाहरण पढ़ा है हमने अमेरिका के द्वारा इराक में लोकतंत्र की बहाली, सद्दाम हुसैन को उसकी सत्ता के पद से अपदस्थ करना और वहाँ पर ज़बरदस्ती उनसे उनके सारे ढांचे को तहस नहस करके ज़बरदस्ती वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली। अब क्या वास्तव में वो लोकतंत्र की बहाली थी या कोई तेल नीति थी, क्योंकि इतिहास में इसे तेल कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है, कि अमेरिका ने इराक में जो है वह लोकतंत्र इसलिए डाला कि उसे तेल कुओं पर नियंत्रण करना था, क्योंकि अमेरिका की जो तेल के खपत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इराक पूरा करता है। आगे सीरिया के बारे में अगर हम देखें तो सीरिया में भी कुछ कुछ ऐसा है। सीरिया के अंदर जो है लोकतंत्र के नाम पे जो है प्रयास किया गया, लेकिन सीरिया नहीं माना, अगर माना भी तो अपनी शर्तों पे लोकतंत्र को मानने को तैयार थे, तो क्या हम इसे लोकतंत्र कहेंगे। और तीसरा उदाहरण हमारे पड़ोस में जो है हम पाकिस्तान का रहा था, जो हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमारे एक पड़ोसी राष्ट्र एक और है चीन, चीन के बारे में हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़े, जो कि वहाँ की राष्ट्रीय संसद में संसद जो है क्वांगो रेमिन दैवियाओ दुही राष्ट्रीय जनसंसद जिसे कहते हैं, वह उसकी प्रणाली, उसका वोट देने का तरीका, जनता से वोट लेने का तरीका, और ऐन वक्त पर जो है बूथ कैप्सलिंग कर देना, बूथ उठा लेना, बूथ को चेंज कर लेना, क्या ये लोकतंत्र है, क्या इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। अगर ये लोकतंत्र है तो अगर भारत के लोकतंत्र से अगर हम तुलना करें तो क्या लोकतंत्र हम क्या क्या माने। हमें हमारे देश के लोकतंत्र को देख के शायद आपको ये लग रहा होगा कि भारत में लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं है, यानी भारत में लोकतंत्र नाम की कोई विषय वस्तु है ही नहीं, दरअसल जनता को कोई अधिकार है नहीं। तो अब आपने इराक में पढ़ा, ईरान में पढ़ा, इराक में, ईरान में, सीरिया में, चीन में और पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं इन सब में आपने लोकतंत्र की दशा और दिशा दोनों देखी। अब आप उससे तुलना करके देखिए हमारे लोकतंत्र की स्थिति और उनके लोकतंत्र की स्थिति, तब अब तक हो सकता है कि हमें अब जब हम उनके बारे में जानेंगे तो हमारी स्थिति, हमारी कल्पना थोड़ी सी हमारे देश के लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था बढ़ गई है, क्योंकि हम अगर अन्य देशों, हमारे अन्य पड़ोसी देशों के लोकतंत्र से जब हम तुलना करते हैं, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की तुलना जो है मतलब बुरों से ही करनी चाहिए, बहुत से अच्छे ऐसे देश भी हैं जहाँ पे लोकतंत्र अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है, ऐसा लोकतंत्र है जिसने अपने अपने नागरिकों को तेहरी नागरिकता दे रखी है। तो ये नहीं कह सकते कि भारत में बहुत शानदार लोकतंत्र है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते यानी कि भारत का लोकतंत्र बहुत गंदा लोकतंत्र है, हम उसे गालियां भी नहीं निकाल सकते। देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट हो, न केवल वोट हो बल्कि उसका मोल भी होना चाहिए। अब देखिए लोकतंत्र के बारे में हम समीक्षा करते हैं थोड़ी, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र है एक व्यक्ति का अपने लोकतंत्र के प्रति मूल, कि एक लोक व्यक्ति अपने लोकतंत्र के प्रति क्या बता रहा है। हमने पहले पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है कि लोकतंत्र जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा होना चाहिए। लोकतंत्र वो नहीं जो सीरिया में हुआ, या वो भी नहीं है जो इराक में हुआ, और वो भी नहीं है जो चीन में हो रहा है, पाकिस्तान में हुआ, परवेज मुशर्रफ ने किया, वो भी लोकतंत्र का कोई अच्छा ज़्यादा अच्छा उदाहरण नहीं था, वो केवल शक्ति दुरुपयोग था। मतलब शक्ति दुरुपयोग का उदाहरण हमें पाकिस्तान में मिलता है, सत्ता दुरुपयोग का उदाहरण अगर देखें तो पाकिस्तान इसमें अछूता नहीं है। अगर शक्ति का वास्तविक दुरुपयोग देखें एशिया स्तर पर, तो अमेरिका ने जबरदस्ती इराक पर जो लोकतंत्र की बहाली की, ये दरअसल शक्ति का दुरुपयोग है। और चीन में जो हो रहा है वो क्या है, वो भी शक्ति और सत्ता दोनों का दुरुपयोग है ना। और उन्होंने उनके लोकतंत्र में तो वैधता भी सवाल या निशान भी हो जाती है कि जब आप अपनी जनता को मतदान डालने का अधिकार ही नहीं देते, और न केवल मतदान डालने का अधिकार नहीं देते, उसके अलावा आप अपनी जनता को पूरे पूरे भरे भांति तरीके से जो है वो बड़े सहेज भी नहीं पा रहे हैं, तो अपन क्या माने कि लोकतंत्र है वहाँ पे, क्या लोकतंत्र की व्यवस्था है वहाँ पे। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या चीज़ है। एक व्यक्ति एक वोट,
पहले हमने पढ़ा कि किस तरीके से लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार वंचित करना उदाहरण से कम नहीं है। 2015 में सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। देख लीजिए, ये भी देश है, ये भी अपने आप में अपने ये लोग भी अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा करते हैं और ये भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र का सर्वोत्कृष्ट रूप है और हम लोकतंत्र के सबसे उन्नत किस्म को सजे हुए हैं, और ये भी कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र का सानी कोई नहीं है। और देख लो, महिलाओं को उन्होंने वोट नहीं दिया भैया, 2015 तक कोई अधिकार नहीं था, 2015 के बाद में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, वहाँ पे महिलाओं को अपने शरीर का कोई अंग दिखाने का अधिकार नहीं है। अगर मतलब अंग भंग का कानून है वहाँ पे, जो अंग दिख गया उसको काट देंगे वो लोग, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत 2015 तक तो स्थिति बहुत भयावह थी। हाँ, 2015 के बाद में थोड़ा सी व्यवस्था में परिवर्तन आया जब उन्होंने वैश्विक मंच पे जाके विश्व सत्ता में लोकतंत्र की भागीदारी देखी, तो उन्हें थोड़ा अपने आप पे शेम फील हुआ होगा, तो उन्होंने कुछ ये महिलाओं को कुछ अधिकार दिए हैं। आगे एस्टोनियो ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनियो है रशिया के पास में, उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ ऐसी बना ली कि रशियंस जो गरीब लोग हैं उनको सत्ता अधिकार ही न मिले। फिजी की चुनाव प्रणाली देखें तो वहाँ में मूलवासियों के लिए वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट के महत्व से ज़्यादा है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता जान लेते हैं, क्या कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट के समान एक मूल्य होना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र की हमने तीन बातें जान ली अब तक, ठीक है। इससे पहले हमने लोकतंत्र के बारे में जो जाना था वो ये था कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। पहली विशेषता कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। इससे पहले हमने लोकतंत्र की जिस विशेषता के बारे में हमने जाना, वो विशेषता जो है हमारे पास में थी कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। तो हम देखिए विश्व उदाहरणों के साथ साथ आपको बताते जा रहे हैं, पुनः से नोट कर लीजिए, कागज कापी पेन ले लीजिए, आप लिख लीजिए कि लोकतंत्र की हम तीन विशेषताओं का जिक्र कर चुके हैं। हमने इससे पहले लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा था, अब लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार और लेने की शक्ति प्रतिनिधियों के पास में होनी चाहिए। किसके पास में होनी चाहिए? जन प्रतिनिधियों के द्वारा, वो एक और निर्णय न ले। इसके बाद में अगली विशेषता जो है लोकतंत्र की, वो ये है कि साहब लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, उनका चुनाव निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए, यानी कोई पक्ष न लिया हो। दूसरा, सत्ता में बैठे लोगों के बैठे और सत्ता से बाहर बैठे लोगों के लिए बराबर मनोवांछित अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सत्ता में बैठे लोग जो है सत्ता पर काबिज हो जाएं, सत्ता का दुरुपयोग करें, ये बात गलत है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि सत्ता का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, समझ रहे। आगे अगला विशेषता है कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। ये थी तो साहब लोकतंत्र की विशेषताएं, है ना। आगे लोकतंत्र की विशेषताओं में आगे जो है वह, हाँ जी, हमने पिछली जो अंतिम विशेषता पढ़ी थी उस पर एक और कार्टून उपलब्ध है। वो विशेषता ये थी कि प्रत्येक व्यक्ति, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए, वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए और वो वोट उसकी स्वेच्छा पर उसे डालने की अनुमति होनी चाहिए, ठीक है जी। अब आपके सामने कार्टून है, ये कार्टून जो है वो सद्दाम हुसैन और उसकी शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बाद में अमेरिका के द्वारा इराक पर की गई टिप्पणी है ये। अब देखिए यहां पे क्या कहते हैं, यहां पे ये कहते हैं कि सब आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, हुर्रे, हमें हासिल हो गया। ये बताया जा रहा है इसमें कार्टून में, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक बुर्का पहने महिला है और एक आदिम मुस्लिम व्यक्ति है, और तीनों ही अपनी जो है इंडेक्स फिंगर को शो कर रहे हैं दैट वी आर कास्टिंग द वोट। और जो सिक्स्थ में बंद व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, ये दरअसल सद्दाम हुसैन है। क्या कह रहे हैं कि एक वो भी दिन था
कि जब एक मैं ही व्यक्ति था कि जिसका मेरा ही वोट हुआ करता था और मैं अपने पक्ष में डालते रहता था, आई लाइक द डेज, मुझे वो दिन बड़े पसंद है। तो ये अमेरिका इस कार्टून के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश देना चाहता है था कि हमने क्या किया है। देखिए, जब इराक पर अमेरिका की कार्यप्रणाली को लेकर टीका टिप्पणी उठने लगी, उसकी इंसल्ट होने लगी, तो अमेरिका ने सीधे सटाक शब्दों में आकर उस कार्टून को जो अपने जर्नल में प्रकाशित किया और बताया कि हमने क्या किया है। अब समझने वालों को ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, कानून का राज और अधिकारों का आदर। आगे हम उदाहरण एक और बताते हैं, जिम्बाब्वे का उदाहरण बताते हैं। जिम्बाब्वे 1980 में अल्पसंख्यक गोरे शासक से मुक्ति मिली, उसके बाद में देश में जानू पीएफ दल का राज है। जिस देश में स्वतंत्र संघर्ष की अगुवाई हुई उस देश में रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद में शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से हो रहे थे, सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, वे चुनाव में गलत तरीके से अपनाते थे। वे आज़ादी के बाद में उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की है। मुगाबे सरकार भी कुछ कुछ तानाशाही कार्रवाई अपनाई हुई थी, वो अपने तरीके से अपने शासन व्यवस्था अपने नियम कानून तय कर रही थी, अपने अधिकारों में वृद्धि कर रही थी और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी, सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था, यानी मीडिया पर। इसके अलावा जो है वह उन सब पर सिर्फ दल के ही विचार प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उन्हें खिलाफ जाते थे, उनके जजों पर दबाव भी डाला। 1917 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है कि लोकप्रिय नेताओं भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार के जो कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें और उनको सोचने की, अपनी राय बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, गठन बनाने की और विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिससे आदेशों का पालन सब लोग करते हैं। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से कक्षा 9 के अध्याय सामाजिक के अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे। इसकी कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इसी कारणों से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसके भी कुछ बुनियादी तौर पर तरीके और पालन होता है। खास तौर पर उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उसके पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारों के प्रति भी उनकी जवाबदेही है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। इस प्रकार लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। 3 विशेषताएँ पहले पढ़ ली हैं, चौथी विशेषता है एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करेगी। ठीक है, इससे पहले थी एक व्यक्ति एक वोट और पूर्ण रूप से उसके अधिकार पे मत दिया जाए। ठीक है, 5 उससे पहले जो विशेषता हमने पढ़ी थी कि सत्तारूढ़ दल सत्ता के अधिकारियों को, सत्ता के कर्मचारियों को और सत्ता को सरकार के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखिए हम कार्टून की चर्चा करते हैं। ये कार्टून जो है वो चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिश लगा दी।
इंटरनेट पर सूचना के प्रवाह को रोक दिया। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई है। टैंक और नेहते छात्र की तस्वीर पाठक चीन के हाल के इतिहास की एक अन्य बड़ी घटना है। इसे हर वह घटना थी कि उसके बारे में ब्यौरा जुटाओ। अब देखिए, लाल चौक हैं, थियामिन चौक, जैसे हमारे पर यहाँ पे कश्मीर में लाल चौक है, वैसे ही पाकिस्तान में थियामिन चौक है। और थियामिन चौक के ऊपर जो है चीन के विरुद्ध, चीन के लोकतंत्र के विरुद्ध विद्यार्थियों ने हड़ताल कर दी थी, जिसे चीन सेना के टैंकों के नीचे उन बच्चों को कुचल दिया गया था। ठीक है, हम बात करें चीन के लोकतंत्र की, जहाँ पे व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र को में व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है, ये है पूर्ण अभिव्यक्ति की आज़ादी। एक बार वहाँ के सैनिकों ने, जब उन्हें सूचना मिली कि चीन के कुछ विद्यार्थी चीन की शासन व्यवस्था पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसे कुचल दिया। आज हमने आपको, मैं आपको रिकैप करवाना चाहूँगा, हमने जो है आज 5 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े लोकतंत्र के बारे में, और अलग अलग उदाहरण पढ़े। पहला उदाहरण हमने डेमोक्रेसी के रूप में इराक का पढ़ा, सद्दाम हुसैन और उसके लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा क्या कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की पहली विशेषता हमने जानी कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करेगी। ये दूसरी विशेषता हमने सीरिया के संदर्भ में जानी, और जिसमें हम जाना कि लोकतंत्र को अंतिम निर्णय लेने में शक्ति लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास में होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास में जो उदाहरण था वो था लोकतंत्र की विशेषता का, कि लोकतंत्र को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होने चाहिए, और सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के अवसर हो। मैक्सिको और उसके संदर्भ में उदाहरण दिया गया। अंतिम उदाहरण हमने जिम्बाब्वे के बारे में था, जिसमें हमने बताया, सॉरी, अमेरिका की जातियों के बारे में उदाहरण हमारी विशेषता थी कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट होना चाहिए, और हर वोट के का एक समान मूल्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर वोट समान होना चाहिए, मूल्य समान होना चाहिए। और अगली विशेषता और अंतिम विशेषता हमारे सामने है वो ये थी कि लोकतंत्र के अंदर जो है व्यक्ति को लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करें। अगले मीटिंग्स में, अगले लेसन में, अगली परिचर्चा में हम लोकतंत्र की परिभाषाओं का सारांश पढ़ेंगे जो हमने आज पढ़ी है। आप सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन कि वे अच्छी तरह से मतलब अपना पाठ पढ़ के आएँ। अगर आप पाठ पढ़ेंगे, आप लेसन पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो है वो सारा कुछ आ जाएगा। क्योंकि देखिए, आपके पाठ्यपुस्तक नहीं है तो ये जो PDF जो टीचिंग का तरीका है, ये आप ही के लिए अपनाया गया है। जैसे सबके पास में जो है किताबें आ जाएंगी, तो हम निश्चित रूप से जो है लेक्चर पद्धति को अपनाएंगे, लेकिन तब तक हम जो है इसी पद्धति से अपनाए हुए हैं। धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़िएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुंदर रहिएगा, घर में रहिएगा, और अपने आप को बचाइएगा। जी, अनेक अनेक धन्यवाद।